नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु चिन्मय। प्रथमे हेडलाइंस कोरोना स्थिति ने प्रधानमंत्री को चिंता। आज 6 राज्यर मुख्यमंत्री कथा हे मोदी दिन 11 वर्चुअल रे आलोचना। ओडिशा आंध्रप्रदेश कर्णाटक महाराष्ट्र केरल और तमिलनाडु कोरोना स्थितर करे समीक्षा। थमुनी मृत्यु खसुनी संक्रमण। आज राज्य में पुणि 64 मुंड नहीं कोरोना। खोर्धार सर्वाधिक 22 जीवन नहीं महामारी। 24 घंटे 2027 पॉजिटिव। सरला पंचम पर्याय लॉकडाउन। आज राज्य में नुआ गाइडलाइन लागू। अगस्ट 1 पर्यंत आंशिक लॉकडाउन बलबत्तर। खोलला जिम स्पा ब्यूटी पार्लर गड़ा बस यात्रा परिवेशन को अनुमति देवा कलाकार दावी। बलांगीर चारभटा पेक्स संपादकों घरे विजिलांस चढ़ाऊ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग। मसूद महम्मद घरे रेड। एककालीन तीनोट स्थान में छपा मारा विजिलांस। मध्यप्रदेश विदिशा जिले बड़ धरण अघटन। लाल पठार गांव में जनक बचाईवाक जा कूरे खसी पड़े 30 अधिक चारिजण मृतदेह उधार। एवं भी फसी रही अनेक उधार कार्य जारी। आज श्रीक्षेत्र में हेरा पंचमी नीति। नंदीघोष रथर चक भांगे मां महालक्ष्मी। नाकचणा द्वार में दहीपटी मणोही नीति संपादन करे भीतरछ महापात्र। राग जर्जरिता चंचला आड़प मंडप दर्शन देवे महाप्रभु। एथर संपूर्ण खबर कोरोना स्थिति नहीं प्रधानमंत्री चिंता। आज 6 राज्यर मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन 11 समय मुख्यमंत्री वर्चुअल आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। ओडिशा आंध्रप्रदेश कर्णाटक महाराष्ट्र केरल और तमिलनाडु मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। सब् राज्य में कोरोना स्थित समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। पूर्व उत्तर पूर्व राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आलोचना कर सारी। तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित गगन आम दिल्ली प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। गगन खास करी प्रधानमंत्री दिन 11 जो सब राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित आलोचना करेंगे क्यों दिग उपरे अधिक गुरुत्व दे पारती कारण ये सब राज्य में वर्तमान स्थिति नियंत्रणाधीन ना। देखो चिन्मय निश्चित भाव आम पूर्व आलोचना करते जो नर्थ ईस्ट कथ आसला से केन्द्र सरकार जो तथ्य देते स्पष्ट भाव से उल्लेख कर 55 जिला एभली वर्तमान भारत वर्ष रही जो 10% रु अधिक केसेस रही। खास कर ये 6 राज्य सहित प्रधानमंत्री आज आलोचना करने जाऊँगी। कर्णाटक कथा कहतु केरला कथा कहतु महाराष्ट्र कथा कहतु ओडिशा कथा कहतु आंध्रप्रदेश कथा कहतु ये 6 राज्य जी स्थिति देखिए भारत वर्षर पाखापाखी 75% केसेस बर्तमान ये 6 राज्य रु ही रही। ये 6 राज्य स्थिति कौटना कौटी अधिक सरकार को चिंतार पकाच कहीं अनेक स्टेप नेला भी ये 6 राज्य में वर्तमान संक्रमण स्थिति कायम हो ना। खास कर महाराष्ट्र परिप्रेक्षित जब आम कह महाराष्ट्र में वर्तमान भारत वर्ष जी केसेस आज केसेस जी कह 38,000 समथिंग केसेस आज आज तेनाली 50% केसेस केवल महाराष्ट्र में ही रही। तेणु ये निश्चित भाव सरकार चिंता बढ़ऊँच निश्चित भाव से राज्य जो मैंने कार्य क्षेत्र कहीं बर्तमान लॉकडाउन रे जेहेतु कोहल रही ट्रेन चलू तेणु निश्चित भाव लोक मैंने जातायात कर गोटे राज्य अन्य राज्य को तेणु निश्चित भाव प्रधानमंत्री निश्चित भाव जो नर्थ ईस्ट सहित आलोचना करते निश्चित भाव 3-4 कथा गुरुत्वारोप करते। प्रथम कथा हूँ जो जानी यात्रा आम रही जो फेस्टिवल रही कि भाव कोरोना नियम पालन अनुसार पालवा घरे रही सेलिब्रेशन कर रथ यात्रा आम गोटे एग्जांपल दे विश्व को निश्चित आम घरे रही विश्व एभली एक रथ यात्रा को आम सेलिब्रेशन कलु निश्चित भाव हिल स्टेशन जो गुड़िक रही कहीं देखिए हरिद्वार ठार आरंभ कर ऋषिकेश पर्यंत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मानक सहित क्यों संपर्क रे आलोचना करछंती कोन से मानको परामर्श देउछंती एवं प्रधानमंत्री आलोचना परे कोन राज्य सरकार निष्पत्ति नेबे ये मध्य समस्तक नजर रे रहबो। बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपनकर तमाम सूचना पई। आसीबा राज्य रे कोरोना संक्रमितक संख्या थमुथिबा बेले वर्तमान मृत्यु संख्या बढ़िबारे लगी। आज पुणी 64 मुंड नहीं महामारी। खोर्धार सर्वाधिक 22 जन जीवन नहीं बेले बरगढ़ 10 बालेश्वर 8 सुंदरगढ़ 7 जन मृत्यु होती। गंजाम 6 कंधमाल संबलपुर 2 लेखाएं मृतक रही। सेपटे गत 24 घंटा मध्य राज्य में 2,070 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। 1,195 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 875 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धार सर्वाधिक 446 जन आक्रांत थिबा राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी।
बलांगीर जिला सालेपाली चारभटा पेक्स संपादक मसूद महम्मद को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठुला अभियोग रे एही चढ़ाऊ चली एक कालीन तीनोट स्थान रे चढ़ाऊ चली बेले पैतृक घर सह चारभटा पेक्स ऑफिस एवं दायित्व रे थिबा दुबला पेक्स ऑफिस रे रेड होछि मासूद महम्मद अच्छा पैक्स सेक्रेटरी जोटा कि रोचे पैक्स गोटे चारपटा रोच गोटे दुबला रोच तबा पाखे सोनपुर जिला कोर्ट को वारंट पड़े घर जो बर्तन रही सालेपल्ली बलांगीर जिले ये घर टाइम बर्तन सर्च कराँगर अफिस् आम जो रही दुटा पैक्स से पैक्स दुटा भी सर्च कर कौन अभियोग थी अभियोग आय बहिर्भूत संपत्ति क्रम चलिए देखुन पत्र सब कागज पत्र अच्छे किसी असुविधा नहीं ये देख आगर पैतृक संपत्ति थी आगे आप गाँव जमी बाड़ी अच्छे सब अच्छे अभियोग कौन कहूँ तेज आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग वर्तमान सालेपाली चारभटा पेक्स संपादकों घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग नहीं यही चढ़ाऊ जारी रही एक कालीन तीनोट स्थान में चढ़ाऊ चली बेले पैतृक घर सह चारभटा पेक्स ऑफिस एवं दायित्व में या दुबला पेक्स ऑफिस रेड हो बलांगीर जिला सालेपाली चारभटा पेक्स संपादक मसूद महम्मद को घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बासस्थान सहित आहुरी दुईट स्थान में वर्तमान विजिलेंस तरफ चढ़ाऊ जारी रही तबे पैतृक घर सह चारभटा पेक्स ऑफिस एवं दायित्व में या दुबला पेक्स ऑफिस रेड चली संपर्क में अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि तरुण साहू जोड़ी होती तरुण वर्तमान विजिलेंस क्यों क्यों अधिकारी माने चढ़ाव में सामिल होती एवं कौन सब आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर देखो चिन्मयी बलांगीर जिले में दिनक दिन जो पैक्स कर्मचारी रही है विरोध में अभियोग रोला आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर चाषी मान विभिन्न समय हईराण करी कागज पत्र मध्यम धान किणाबिका कर अभियोग रोला किंतु जहाँ बर्तमान आज सका विजिलेंस टीम सोनपुर बरगढ़ बलांगीर और संबलपुर चारोटी टीम जो रही बलांगीर सालेपाली और जो बादुला पैक्स कर्मचारी रही मासूद अहमद घर विजिलेंस चढ़ाऊ चली तीनो दुईट ऑफिस जो बादुला ऑफिस और सालेपाली ऑफिस चढ़ाऊ सह पैतृक घर विजिलेंस टीम चढ़ाऊ करती वर्तमान सुधा चढ़ाऊ चली विभिन्न कागज पत्र लक्षाधिक टंका एवं सुना गणा मध्य जबत होता जहाँ प्रारंभिक सूचना रोचे और चढ़ऊ जेहतु चली सविशेष तथ्य बा मोटामोटी केते टंकार से आय बहिर्भूत संपत्ति ठोल करती बर्तमान जना पड़े ना चिन्मय तेज तरुण केते संपत्ति वर्तमान सुधा जबत है निहाती भाव में देखा जेहतु चढ़ाऊ चली विभिन्न जगार पैतृक घर जो रही आलीशान बंगला रही नहीं प्रारंभिक सूचना जना पड़ी और बैंक रगज पत्र विजिलेंस टीम मैंने तन तन कर जांच कर देखा जे बलांगीर जिले में जो पैक कर्मचारी मैंने रही है पूर्व विभिन्न समय चढ़ाऊ चलता और आज जो मासूद अहमद घर विजिलेंस चढ़ाऊ कर सुना गहना और लक्षाधिक टंकार टंका जबत करना पड़ी और विजिलेंस अधिकारी मैंने सूचना देखते किंतु चढ़ाऊ जेहतु चली मोटामोटी से केते टंकार आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल करती जना पड़े ना किंतु वर्तमान सुधा चढ़ाऊ चली जो विजिलेंस चढ़ाऊ पर ही पूरा स्पष्ट चित्र सामना को आसिबो केते टंकार बा केते संपत्ति से एक्जुट करिसेंति एवं जबत करा जाइछि बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपणकर तमाम सूचना पई ज्वाई को पथर रे छेची हत्या घटना घटी ब्रह्मपुर उपखंड रंडा गाँव हरिजन साहिरे झिकी पदर गाँव श्वशुर घर रंडा को आसीथिले दिलीप दास तबे शाशु श्वशुर घरे हत्या करा जाइथिबा सूचना मिली घटना रे जनक अटक रखा जाइछि
ज्वाईंकु पथरें छेचि हत्या घटना घटी ब्रह्मपुर उपखंड रंडा गांव हरिजन साहि झिकीपदर गांव शशुर घर रंडा को आसी दिलीप दास तेरे शशुर घरे हत्या कर सूचना मिली घटन जनक अटक रखा तेरे संपर्क में अधिक सूचना पर आम सहित ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक जोड़ी होती पीतांबर घटना कौन चिन्मय निश्चित भाव राति 12टा गोटाएर समय जे जो भाई भाव में दिलीप दास नामक जन युवक शशुर घर रंधा हरिजन साइड से रुहंती से प्रत्येक दिन राति जितेबाला छात उपर शुंती किसी समय पूर्व अर्थात गत काली हुए तो गत गोटे दिन दुई दिन भितर किसी जुक्ति तर्क लगी गोटे प्रकार सूचना आसपटे विनोद दास और सीमांचल दास दुईज अटक अच्छा पूरा घटना एमती थिला जेते बेले से छात उपरे सोइथिले विनोद दास से छात उपर को जाइथिले आ से छात उपर को जाई कि सेठारे गोटे सीमेंट रो गोटे सीमेंट को लागि गोटे पत्थर रहिथिला आ से पत्थर रे हत्या करथिबार गोटे प्रकार सूचना आसुची वर्तमान समय रे पुलिस जेते बेले से घटनास्थल को जाइथिले तदंत करबा पई तदंत रे विनोद रो गोटे शॉट मिलिथिला विनोद जेते बेले पत्थर रे छेचिथिला बा हत्या करथिबार गोटे प्रकार सूचना आसुची विनोद रो शॉट सेठारे जेहेतु रहि जाइथिला आ विनोद सेठु आसिक गोटे मंडप सोई पड़ीबार गोटे प्रकार विशेष सूत्र सूचना तो आभली क्षेत्र में निश्चित भाव गोटे हत्यार रूप दि जाए जो भाव में दुईज थाना वर्तमान समय अटक अच्छा विनोद दास और सीमांचल दास जीक अटक अच्छा वर्तमान दिलीप को जो भाव में शवगृह रखा जा शवगृह आउ किसी समय पर पोस्टमर्टम हो जो भाव से केमती आघात होता केमती मृत्युमुख से पड़ती केमती हत्या कराइला वर्तमान अपडेट या होची जे पुलिस घटनास्थल रे तदंत करुची अन्यपटे रक्त भिजा शॉट मध्य सेठु जबत करिची अन्यपटे विनोद एवं आउ जणे सीमांचल जी अछंति तांको दुई जण को पुलिस वर्तमान अटक रखिची अटक रखी कि दुही को पचरा उचरा करा जाउची जे केउ कारण रु होइथाय पारे निश्चित भाबरे पीतांबर पचरा उचरा परे एवं पुलिस रो तदंत परे सब सतही सामना को आसीबो जे हत्यार कारण कोन बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आपनकर तमाम सूचना पई ते वर्तमान आगो को मध्य खबर जारी रहो किंतु समय हो गए छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत सरला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज सारा राज्य में लागू है नुआ गाइडलाइन अगस्त एक पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो एहारी भितर राज्य में किसी नियम कोहल किसी कड़ाकड़ी होवा गाइडलाइन अनुसार सारा राज्य में गढ़ी बस पूरी में रथयात्रा चली 25 जुलाई जाए बस चलाचल करना सारा राज्य में अटो टैक्सी चलाचल आरंभ कर आज जिम ब्यूटी पार्लर स्पा खोली पार्क मॉल सिनेमा हॉल और बार बंद स्कूल कोचिंग सेंटर खोल ना यहसह रेस्टोरेंट उठा दुकानी केवल पार्सल देपारे पूर्व भली कैटेगोरी ए रे 20टी और कैटेगोरी बी रे सही 10टी जिला रही कैटेगोरी ए सका 6 राति 8टा जाए दुकान बजार खोला रहिबो कैटेगोरी बी रे सका 6 संध्या 5टा जाए दुकान बजार खोला रहिबो सरकारंकर पदक्षेप को आम स्वागत करुचु किंतु आमर सरकार पाखरे 3टी कथा निवेदन थिला जे प्रथमे आमर तीन मासर टिकस छाड़ जो थे कि जुलाई मासर टिकसटा को सरकार छाड़ कर अगस्ट सेप्टेम्बर छाड़ करना द्वितीय कथा है जे आमर 100 लाख टंका सॉफ्ट लोन आमको दि जाऊ 24 किस्ती रे आमे बिना सुधरे फेरई देबू जो थे गाड़ी चलेबापी बर्तमान ये डीजेल 100 टंका रे आमपाई चले कि भाइबिलिटी आणवापी आमपाई भारी कष्टदायक आमर जंत्रांश बैटरी और आनुषंगिक जंत्रांश सब डैमेज होकर पड़ी सेतिपाई सॉफ्ट लोन 100 लाख टंका दरकार एवं तृतीय है जे आमर इंश्योरेंस जो लॉकडाउन पीरियड रे जो बंद थिला इंश्योरेंस अविधि ऑटोमेटिकली ताकु ये करा जाउ जो छाड़ करा जाउ अविधिटा बढ़ा जाऊ जो कि आम सुजोग पाइबू जे सरकार जो पदक्षेप को आम स्वागत करूँ जात्री मान कटक जात्री मान सुरक्षा देवाई आम प्रस्तुत अच्छु बुझे ना तेणुकि जात्री मान पड़ आम तो बर्तन परिस्थिति एमती है आम जात कौन परिस्थिति कौन सुरक्षा देवु तेणुक आम को बर्तन जीवा कि पोषा को अच्छे जेकोसी मत हो गाड़ी चलने आम चिरपुक्त हम भुवनेश्वर से सका सका आज अनेक जिम सेंटर खोली शहीद नगर में लिजेंड यू स्टे फिट जिम सेंटर खोली बेले लोके भी आसी फिटनेस सरकार को कोरोना कटकणा को मानि जिम खोली कहते जिम मालिक लोके भी कटकणा को मानि एठा को आसुवा देखा मिली
डिस्टेंस मेंटेन आ समस्त मास्क वेयर करते दिन है बंद थी जेहेतु कल गाइडलाइन चेंज है कि खोलने सुविधा है तो जाओ एवं लगुच एटलिस्ट एम आसपार टी जाम बॉडी फिटनेस प्रायोरिटी फोकस दे पार डेफिनेटली आमको तो खुशी लगुच जेहेतु बहुत दिन पर सरकार आम कथा शुणी आटा गोटे सब फिटनेस इंडस्ट्री जिते भी पर्सनस अच्छा जो मैंने एथेरे जॉब करुचंती जो माने एथरु किछि इनकम करचंती तांको बे स्पेशियली गोटे भलो न्यूज आमे आंशिक खुशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे गुजरात रे अनेक गुरुत्वपूर्ण रेल प्रकल्पर उद्घाटन करबे प्रधानमंत्री या सह गुजरात साइंस सिटी रो आक्वाटिक्स एवं रोबोटिक्स गैलरी एवं प्रकृति पार्क को जनसाधारण उद्देश्य से उत्सर्ग करेंगे। गांधीनगर राजधानी एवं वारेथा मध्य दुईट नूतन ट्रेन गांधीनगर राजधानी वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं एमएमयू को सबुज फ्लाग देखाइबे प्रधानमंत्री मोदी। एने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्ष सूचना दीजिए तेज गांधीनगर राजधानी रेल स्टेसन को 71 कोटी टंका व्यय आधुनिकरण कर आधुनिक विमानबंदर भली विश्वस्तरीय सुविधा जोगाई दी जाए। दिव्यांग सुविधा पाई स्वतंत्र टिकेट विंडो रैंप लिफ्ट एवं सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था करा जाए छी। समग्र बिल्डिंग को सबुज कोठा भाव में डिजाइन करा जाए छी। मध्यप्रदेश विदिशा जिले में बड़ धरण अघटन लाल पठार गांव एक कूर खसी पड़ी 30 अधिक लोक सेमानको मध्यरु 19 जन को उद्धार करा जैतिबा बेले एबे भी फसि रहिछन्ति अनेक कुओ भितरु 4 जन को मृतदेह उद्धार करा जैछि। एबे भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ ओ स्थानीय प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य जारी रहिछि। गतकाली स्थानीय अंचल रे जने पिल्ला कुओ रे खसि पडिथिला ताकु उद्धार करबा को लागिथिला प्रबल भिड़ लोकंक गहळी रे कुओ रो ऊपर स्लैब धसि जैथिला फलरे घटनास्थल रे उपस्थित 30 अधिक लोक कुओ भितरे खसी पड़ी खबर पाइबा परे उद्धार कार्य जारी रही उद्धार कार्य को त्वरान्वित करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घटनास्थल में मंत्री विश्वास सारंग और जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी पहुंच उद्धार कार्य समीक्षा कर आज श्रीमंदिर अनुष्ठित हो हेरापंचमी नीति विधि परंपरा पूर्वक आड़प मंडपर विराजित महाप्रभु को दर्शन करने महालक्ष्मी श्रीगुंडीचा मंदिर को विजे करे। रुक्मिणी हरण एकादशी दिन महाप्रभु श्रीजगन्नाथों महालक्ष्मी बहुत जथा विधि आधार में संपन्न होता गईठाण फिट ना बेले महाप्रभु असुस्थ हो अणसर पिंड में चिकित्सित होते सुस्थ होगापर बड़ भाई और भौणी सांगे नहीं जन्मवेदी को यात्रा कर दीर्घ दिन धरी महाप्रभु महालक्ष्मी साक्षात होना महालक्ष्मी व्यस्त ब्रत हो पड़ते हेरापंचमी दिन अर्थात आज महाप्रभु को दर्शन करने श्रीगुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करेंगे महालक्ष्मी। महाप्रभु भेट नपाई रागरे अभिमान करेंगे माँ सेपटे राग जर्जरित अभिमानिनी महालक्ष्मी नाकचणा द्वार दे प्रस्थान करने समय भितरछ महापात्र दहीपटी मणोही नीति करेंगे। यापर अभिमानिनी महालक्ष्मी नंदीघोष रथर चक भांगे बड़दाण्ड दे हेरा गौरी साही दे श्रीमंदिर भितर को प्रस्थान करेंगे। तबे संपर्क में अधिक आलोचना पाई आम सहित पुरी आम पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी आलोक आज हेरापंचमी नीतिकांति केतबेले आरंभ हेब एवं वर्तमान सुधा कौन सब नीतिकांति हो सारी चिन्मयी आज बड़ पवित्र दिन आज महाप्रभुंकर हेरा पंचमी नीति अभिमानिनी माँ महालक्ष्मी राग जर्जरित हो नंदीघोष रथर खंडे अंशविशेष भांगे और आज सका सका महाप्रभुंकर मंगल आरती मैलम तड़प लगी अवकाश नीति वर्तमान शेष हो जाए आपण मैंने सीधासल दृश्य प्रथम देखा चाहिए नंदीघोष रथर जेहेतु आज अभिमानिनी महालक्ष्मी आज नंदीघोष रथर अंशविशेष भांगे ए अन्य परंपरा आज श्रीक्षेत्र में देखा मिले कहीं चिन्मयी आज जानते पवित्र रुक्मण हरणी एकादशी दिन महाप्रभु महालक्ष्मी विभागर बाहागर होता और गईठला फिटि नाला से अणसर घरे महाप्रभु संपूर्ण रूपे असुस्थ थे और महाप्रभु जिते अणसर घरे सुस्थ हो गले भाई भौणी को सांगे धरी आड़प मंडप को विजे कर महाप्रभु तो निश्चित भाव में गोटे अन्य परेश आज देखा मिले श्रीक्षेत्र में कितु आम कहीपर कौन भक्त श्रद्धा बर्तमान कई नहांती श्रीक्षेत्र में अन्य परेश देखा कितु आज जो भाई भाव में महाप्रभुं आज हेरापंचमी नीति संपादित हो समस्त गोटे इच्छा रही
ଯେତେବେଳେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବେ, ବିରାଟ ପାଟପଟୁଆରେ ଆସିବେ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନ କରିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିନ୍ମୟ, ଆମ ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ଅଛନ୍ତି, ନବକିଶୋର ପତି ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ, କିଭଳି ରହିଥିବ ସେ ପରିବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ, କିଭଳି ଭାବେ ପାଟପଟୁଆରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ଏବଂ ଗଇଁଠାଳ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ଫିଟି ନାହିଁ, ରୁକ୍ମଣ ହରିଣୀ ଏକାଦଶୀ ବିଭାଗର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଗଇଁଠାଳ ଫିଟି ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ, ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥର ପଛପଟେ ରହିବେ, ସେଠି କିଛି ସମୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯାହାକୁ କର୍ପୂର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ଚାଉଳ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ବଳିତା ଦ୍ୱାରା ଆଳତି କରାଯିବ, ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ମୁନି ହେବ, ରାଜନୀତି ହେବ, ଦହିପଟି ଭୋଗ ହେବ, ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ତଳେ ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ଟେରା ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳଟିକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେଉଁ ମୁଖ ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ, ଅଧର ମାଳ ଆସିବ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସଜବାଜ ହେଇ ବହିଛନ୍ତି, ମାନେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ, ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଯାଇ ମଝିରେ ଯାଇ ମାଧବଙ୍କୁ କହିବେ, ମାଧବ ସେଠୁ ବୁଝେଇବେ, ଅନେକ ଏହାର ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବନ ଅଧର ମାଳଟିକି ଆସିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ିଯିବ, ଆହୁରି ଅଭିମାନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖିଲେନି କି କିଛି ପଚାରିଲେନି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଗଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ବୁଝି ନପାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବେ, ରାଗଜର୍ଜିତ ହୋଇକିରି ଏଇ ନାକଚୁଣା ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଫେରିବେ, ଏବଂ ଆମର ହେରାଗୋରି ସାହିକି ଯିବେ, ସେଠୁ ହେରାଗୋରି ସାହି ପେଲାବେଳେ ମର୍ଚିକୋଡ଼ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାଉଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଧବଙ୍କୁ କହିବେ, ମାଧବ ଯଦି ବି କହିବେ, କହିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ନା ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇ ବୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିସାରିବ, କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆଇଛି କି ବାନ୍ଧବ ଆଇଛି, ତାକୁ ସିନା ୱେଲକମ୍ କରିବେ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଆଣୀ କହିପାରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଝଗଡ଼ାଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ସିନା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଉଛି ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଭଳିଆ ଅଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ସିଏ କୁଭଳିଆ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ କୁଭଳି ଭାବରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ ତାର ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଗଜପନ୍ତିକି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ନବକିଶୋର ପ୍ରତିମାପତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ଚିନ୍ମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅତି ରୋଚକ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବଧୂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଗିରଫ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ସରସ୍ୱତିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ଦାସଙ୍କର ଗତ ରାତିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମାରିଦେଇଥିବା ନେଇ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାପ ଘର ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖଇରା ପୋଲିସ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ସଂଯୁକ୍ତା ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କାଲି ମୋତେ ରାତି 12 ଫୋନ୍ କଲେ ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ଫୋନ୍ କରିକି କଲେ ତ ଭଉଣୀ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଉଣୀ ସତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସିକି ବାହିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ମଝିରେ, ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାବି, ଇଏ କରିବି, ବହୁତ ଛେକେ ଧମକ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଛେକେ ମାରିକି ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ବେଶୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦା କାଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ଶୁଣିକରି ଯାହା ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ତ ବସିଛୁ ଶୋଇଲା। କ'ଣ ଘଟଣା କେମିତି ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏ ଯାଇ ବି ଯାଇନି। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।